वेलकम ऑल. सो हम अब आज बात करेंगे अबाउट द कंटिन्यूशन टॉपिक पावरफुल ब्लैक मैजिक ऑफ जिन्स रिवील पार्ट टू. तो हमने पिछली सीरीज जो थी जिन्स की वो वहाँ पे छोड़ी थी कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द तांत्रिक और एनी ईविल ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर और जिन के बीच में कि वो अब गॉड की प्रैक्टिसेस पे वापस नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही गेम एक पर्टिकुलर जिन सीरीज में खेल दिया गया या जिन स्पीशीज ने खेल दिया है. तो अब हम बात करेंगे कि जो लोग ब्लैक मैजिक करवाने जाते हैं तांत्रिक्स के पास या मौलानास के पास, उनको क्यों नहीं जाना चाहिए. उनको ये पता ही नहीं चल पाता है कि ये सब करते हुए खुद वो एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध चुके हैं जिन्स के बीच में और अपने बीच में. वो कैसे होता है उसके बारे में हम आज थोड़ा सा जो मेन पॉइंट्स है वो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू ऑल द व्यूअर्स. सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले जब आप जाते हैं तांत्रिक के पास और बोलते हैं कि यू नो मैं इस इंसान से इतना हेट करता हूँ या मैं इस इंसान से बिल्कुल भी इसकी ग्रोथ या फिनेंशियल एस्पेक्ट या रिलेशनशिप एस्पेक्ट कोई भी एस्पेक्ट जिसको जो प्रॉब्लम है जो वो नहीं देख पा रहा है एनिमिटीज़ की वजह से, तो मैं ये चीज़ इसकी ख़त्म करना चाहता हूँ. तो अब आप क्या कर सकते हो? तो जो ईवल ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर है जबकि ये सब तंत्र में अलाउड नहीं है, वो फिर भी इस चीज़ में ये कैसे इस चीज़ को बोला जाए अश्योरेंस देता है तांत्रिक कि यस इतने पर्टिकुलर दिनों में ये चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी. अगर आप किसी की फिनेंशियल एस्पेक्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं, आप उसका नाम या उसका कुछ भी पहना हुआ कपड़ा या नेल्स या हेयर कुछ भी आप फोटोग्राफ लेके आ जाओ, इनमें से कुछ भी चीज़ लेके आ जाओ और हम जो है कितना स्ट्रॉन्ग आप करना चाहते हो उस हिसाब से इतना अमाउंट है, इतनी फीस है, आप ये दीजिए और ये चीज़ हो जाएगी. अब जो इंसान वहाँ जा रहा है, सबसे पहली बात तो वो किसी का बुरा करने के लिए वहाँ पे जा रहा है, तो पहले तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई ऐसे बुरा करने के लिए वहाँ जा रहा है तो उसका अच्छा कैसे हो सकता है. लेकिन ये पॉइंट ये लोग नहीं समझते हैं जो इस तरीके की गलत एक्टिविटीज़ करवाने के लिए वहाँ जाते हैं. सो एनीवेज, अब तांत्रिक पहले तो बहुत स्मार्ट तुम लोगों के साथ खेलेगा. कैसे? वो बोलेगा ठीक है मेरे पास अलग पावर्स हैं जो है, मैं अपने मंत्र शक्ति से या मैं अपनी तंत्र शक्ति से या मैं अपने किसी यंत्र शक्ति से फॉर दैट मैटर इस चीज़ को पूरा कर दूंगा. लेकिन सच्चाई में रियलिटी में वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे सिंपली ये हो रहा है जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट में जिनके साथ था तांत्रिक कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए मैं पूरा करूँगा जो जिन वो बोलता है, लेकिन साथ में जब समय आएगा जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तब तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं तुम्हें बोलूँगा और तब तुम मना नहीं कर सकते. सिमिलरली यहाँ पे तांत्रिक ने जब तुम्हारा नाम दिया, जब किसी के ऊपर भी कोई पूजा कराई जाती है, जैसे अगर कोई अच्छी पूजा करवाने में तुम किसी पंडित के पास जाते हो तो तुम्हारा नाम, तुम्हारा गोत्र, तुम्हारा टाइम ऑफ बर्थ ये सब चीज़ें ली जाती हैं. सिमिलरली जब यहाँ पे तुम कुछ ख़राब चीज़ भी कराने जाते हो तो भी तुम्हारी पर्ची वहाँ डलती है कि इस इंसान ने इस पर्टिकुलर दूसरे एनिमी कह लो अपने उसमें कि इसके नाम में ये करवाना चाह रहा है, इसका ये पर्टिकुलर डैमेज. तो वहाँ पे जब तुम्हारा नाम दे दिया गया है तो द मेन पर्सन तुम हो जाते हो. सेकेंड मेन पर्सन इज अ तांत्रिक हु इज डूइंग इट. सी ही इज द वन हु इज डूइंग इट, बट तुम हो जो ये करवाना चाह रहा है. तो बेसिकली सारा ब्लेम गेम या सारी शुरुआत जो है जड़ तुम बन जाते हो वहाँ पे. यू बिकम द रूट ऑफ एनी थिंग विच इज बींग एक्सेस्ड इन दिस पर्टिकुलर डायमेंशन कह लो या डायमीटर कह लो या सेक्शन कह लो. तो अब तुमने एक जिन के कैटेगरी में तुम आ चुके हो जिनके सामने तुम्हारा नाम, तुम्हारी फोटो वो दे चुका है. अब वहाँ पे कैसे वो जाके उस चीज़ का डैमेज होगा? वो अपनी मंत्र शक्ति से डैमेज नहीं करेगा तांत्रिक, वो सीधा जिन को बोलेगा कि ये पर्टिकुलर केस है, तुमने इसका ये चीज़ जाके इस पर्टिकुलर इंसान की जो फोटो दी है या नाम दिया है उस पर ये डैमेज करना है. वो कर भी देगा. वो क्या करता है, वो खुद वहाँ जाके खड़ा हो जाता है या सराउंडिंग्स में उस इंसान के पास रहता है जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है. बट नाउ जब वो ये काम कर देता है तुम्हें रिजल्ट्स भी दिख जाते हैं. अब ये काम है टेम्प्ररी काम, ये ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारे ऊपर कोई जिन लगा देगा. डेफिनेटली लग सकता है लेकिन उसके लिए हर महीने या हर 6 महीने में या दिवाली पे या होली पे या व्हाटएवर जैसा भी जितना हाई डिग्री का वो प्रोसेस है उसके हिसाब से उसको फीलिंग देनी पड़ती है, उसको रिन्यू करवाना पड़ता है. एनीथिंग इज़ नॉट परमानेंट. अब अगर आप ये करवा के भूल गए और तांत्रिक डेफिनेटली अपनी फीस बनाई वो क्यों बोलेगा कि आपको बार बार आके ये चीज़ करवानी पड़ेगी. तो अब क्या है कि ये इंसान को तो अगर कोई अच्छा जेन्युइन हीलर मिल जाए
या इस चीज को समझने वाला स्पेशलिस्ट मिल जाए, वो तो उसको इस एक पूरी बुरी शक्ति से निकाल देगा। लेकिन अब अपनी बात करो, जो तुम गए थे तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदने गए थे तो उस पर गिर चुके हो। तांत्रिक ने तो तुम्हें ये चीज़ नहीं बताई है और ना वो कभी बताएगा। अब तुम्हें कौन ठीक करेगा? तुम नहीं ठीक होगे, क्योंकि अब तुम्हें वो तांत्रिक इस्तेमाल करेगा अपनी पर्टिकुलर चीज़ों को फीड देने के लिए, उस जिन के काम को करवाने के लिए। और देन व्हाट विल हैपन, तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारे बच्चे या तुम्हारी नेक्स्ट जो भी, मतलब तुम्हारी फैमिली में से किसी के ऊपर भी इस चीज़ को लगाया जा सकता है या उसका सैक्रिफाइस मांगा जा सकता है। और तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि अब मेरी फैमिली में ऑल ऑफ अ सडन ये क्यों प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ज़रूरी नहीं है कि वही प्रॉब्लम शुरू हो जो तुम करवाने गए थे। इट कैन बी रिगार्डिंग द हेल्थ, इट कैन बी रिगार्डिंग योर स्टडीज, योर एनीथिंग, रिलेशनशिप। तो कहने का मतलब ये है कि जब तुम किसी के ऊपर बुरा करवाने जा रहे हो तो तुम अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट में जिनके साथ बन चुके हो, तो ब्लैक मैजिक तो तुम पे भी हो गया। ब्लैक मैजिक क्या, वो तो साक्षात तुमने अपना सब कुछ वहाँ पे जाके दे दिया है, एक प्लेट में सजा के कि ये इसको ले जाएं, हमारा नाम, हमारा गोत्र आप यूज़ कर सकते हैं जिस भी तरीके से। तो इस चीज़ से थोड़ा सा डरो, इस चीज़ को थोड़ा सा अपने दिमाग में रजिस्टर करो जो मैंने अभी ये चीज़ें बोली हैं, कि इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी का बुरा चाहोगे तो आज नहीं तो कल तुम्हारे साथ भी बुरा होगा ही होगा। किसी भी तरीके से तुम नेचर तुम्हें जो है वो कभी ना कभी तो तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो बस दैट्स अबाउट इट इस टॉपिक के बारे में। अब नेक्स्ट सीरीज जो जिन की है उसमें हम कंटिन्यूशन में ये बात करेंगे कि ये तो हो गया कि किसी इंसान ने, किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने जब तुम पे ब्लैक मैजिक करवा के, तुमने किस पे करवाना चाहा, तुम भी इसमें फंस गए, ये तो ह्यूमन बेस्ड हो गया। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें डायरेक्टली जिन पोजेशन हो जाता है, इसमें किसी इंसान का हाथ नहीं है। इसमें जिन जो है वो कैसे पोजेशन डायरेक्टली कर सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो दैट्स अबाउट इट। आई होप इस वीडियो को सुन के जो लोग ये चीज़ करवाना चाह रहे हैं या जो करवा चुके हैं उनके लिए एक आई ओपनर होगा, और अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट करके इस चीज़ से बचाने की कोशिश करो। माफ़ी मांगो जिन भी तुम अपने इष्ट देव कह लो या जिन भी पावर को तुम मानते हो, सबसे पहले तो माफ़ी मांगो, अपनी गलती का एहसास करो। सबसे पहले पश्चाताप बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। उसके बाद भी अब तुम ढूंढो किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को या जो भी तुम्हारे गुरु हैं, और उनको ये सच्चाई बताओ कि हमारे हाथ से ये चीज़ जो है ये एरर हो गया है, अब क्या किया जा सकता है। ठीक है, फिर देखो आगे तुम्हारा क्या होता है अगर तुम बच सकते हो तो। बट डरो इस चीज़ से, ये डरना ज़रूरी है, तुम लोगों का समझना ज़रूरी है कि दूसरे को प्रॉब्लम में डालोगे तो सबसे पहले अपनी हालत देखो कि तुम्हारा क्या होने वाला है जिनके साथ। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। नेक्स्ट वीक वी टॉक अबाउट अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय।